उज्जैन का सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रच रहे है कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने महाकाल मंदिर के लिए पैदल जा रहे दो श्रद्धालु युवकों पर शुक्रवार को बेगमबाग क्षेत्र में रोककर मारपीट की, फिर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। श्रद्धालुओं के साथ हुई चाकूबाजी का पता चलते ही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने महाकाल थाने का घेराव कर दिया था। शुक्रवार को प्रशांति कॉलेज में परीक्षा देने आए सोनकच्छ के रहने वाले संदीप गुर्जर और पंकज राघव एसएससी की परीक्षा देने के बाद दोनों पैदल हरिफाटक ब्रिज से होते हुए महाकाल मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। ब्रिज उतरते ही बेगमबाग क्षेत्र में करीब 5 लोगों ने दोनों को घेर लिया, युवकों से पूछताछ कर मारपीट करने लगे। इस दौरान संदीप की कमर में चाकू से हमला कर आरोपी फरार हो गए। संदीप की कमर में चाकू के 4 घाव लगे हैं, वहीं पंकज मारपीट में घायल हुआ है। दोनों ने परिचित राहुल को कॉल कर घटना बताई। राहुल उपचार के लिए उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा। हम बेगमबाग ब्रिज से नीचे उतरे और वहां पर मुझे पीछे से मारा दो बाइक सवारों ने। एक ने पीछे से मारा तो उन्होंने आगे जाके बोला, हम बोले कि भैया क्यों मारा हमको, तो वो गाड़ी पलटा के आए और उन्होंने बोला कि इधर से तुम्हारा इलाका नहीं है, डायरेक्ट गाली दी हमको, और इधर से तुम्हारा इलाका नहीं है, हम ये मुसलमानों का इलाका है, डायरेक्ट ये बोला। और इसके बाद हमें मारने लग गए तो हम भागने लगा, तो मेरे को पीछे से चाकू मारना ये यहाँ पर हमारी पेपर था एसएससी का, तो उसके बाद हम महाकाल के दर्शन करते हुए निकल जाएंगे घर पे, इसलिए आए थे। पेपर रहने वाले हम भलाई खुर्द फोन करते हैं। कहाँ पे चाकू मारा? ये यहाँ पर कौन से एरिया? बेगमबाग। श्रद्धालुओं पर हमला होने की खबर मिलते ही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता महाकाल थाने पहुंच गए। संगठन का आरोप था कि श्रावण मास शुरू हो चुका है, ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल मंदिर के लिए बेगमबाग वाले रास्ते का उपयोग करेंगे। महाकाल थाना पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे कैमरे देखे जा रहे हैं। आज महाकाल थाना क्षेत्र में बेगमबाग कॉलोनी के समीप दो गुर्जर समाज के युवकों को मुस्लिम द्वारा चाकू मारे गए, मारपीट की गई, उसके बाद दोनों युवक पूरी तरह घायल हो चुके थे, जिसकी जानकारी जैसे हमारे को लगी हमने महाकाल थाने पर आकर के एफ आई आर दर्ज करी और घटना स्थल पर दो पुलिसकर्मी मौजूद थे, वो दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच करने के लिए हमने आज महाकाल थाने पर एडिशनल एस पी साहब से निवेदन किया है। अगर वो दोनों पुलिस वालों को प्रशासन लाइन अटैच नहीं करता और जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है अगर 24 घंटे के अंदर उन लोगों को नहीं पकड़ते हैं तो पूरा समग्र हिंदू समाज जहां पर घटना हुई है वहां जाके आंदोलन करेगा और प्रशासन के खिलाफ जंग छेड़ेगा। जैसा अभी रिपोर्ट हुई है 3:30 से 4 बजे के आसपास की घटना है। दो बच्चे एग्जाम के बाद में हरिफाटक टी से ये अपने ब्रिज के रास्ते से पैदल पैदल बेगमबाग की तरफ जा रहे थे। अचानक पीछे से दो मोटरसाइकिल आई हैं, जैसा उन्होंने बताया है कि उन्होंने मोटरसाइकिल आई हैं, पीछे से किसी ने एक को झापड़ मारा है, बाद में रोक के चाकूबाजी की घटना वहां पर हुई है। इस घटना के बाद जो दोनों बच्चे थे वो वहां से, जैसा कि उन्होंने बताया है कि उन्होंने किसी अपने बंदे को फ़ोन किया है जो जेके हॉस्पिटल में पोस्टेड थे, फिर वहाँ वो चले गए। उस समय क्या घटनाक्रम हुआ है, आगे हमारा एक पॉइंट भी रहता है और किन लोगों ने किया है, अभी उनके हुलिया उनके मोटरसाइकिल के आधार पर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि सावन कल से शुरू हो गया है, हम लोगों की महाकाल मंदिर में और उसके साथ आसपास के जो संवेदनशील स्थानों पर लगातार फिक्स पॉइंट और अलग अलग पॉइंट पे हमारे पॉइंट चल रहे हैं। अब जो 2-3 मार्ग जैसा कि पहले से भी विदित है उन मार्गों पर हम एडिशनल व्यवस्थाएँ रात में भी और जो बिजी समय है हमारा उस समय भी हम लगा रहे हैं। अभी हम 2 टीम बेसिकली काम कर रहे हैं जो कि इनके हुलिया पे और इनकी गाड़ियों के आधार पर काम कर रही हैं और विभिन्न वैज्ञानिक तरीके भी का भी हम उपयोग कर रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी उन तक पहुंच सकें और हम इसी बहाने एक जल्दी से पकड़ के उनको बहुत अच्छी कार्रवाई करेंगे ताकि आने वाले समय में, क्योंकि हमारा त्योहारों का समय है, उसमें सभी को स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है, वहीं पुलिस ने चेतावनी दी है कि आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आगे के समय के लिए ये सख्त संदेश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।